नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त लाइफ को जगन्नाथ। आज हम नया विषय लेकर आए हैं। ये विषय है डाउजिंग, लोलक शास्त्र। लोलक शास्त्र के बारे में बहुत लोगों की गलत भावनाएं हैं कि ये सत्य है या असत्य है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। फॉरेन में दूसरे महायुद्ध से इनके ऊपर बहुत विश्वास जड़ गया। ये विद्या टोटल भारतीय ही है, इंडियन ही है, पर हम मानने के लिए भारतीय तैयार ही नहीं होते। जब तक बाहर से स्टैम्प नहीं आता तब तक हम मानेंगे नहीं। तो दोस्तों, डाउजिंग क्या है, डाउजिंग कौन कर सकता है, ऐसे लोगों के बहुत प्रश्न मुझे आए थे। तो डाउजिंग कोई भी कर सकता है, पर इसके लिए आपका मन शांत होना जरूरी है। डाउजिंग प्रोसेस है तो बहुत ईजी और कहे तो बहुत हार्ड भी है। आपका मेडिटेशन नहीं है तो आप डाउजिंग नहीं कर सकते। और आप लॉजिकली ज़्यादा सब लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं, अब अंधविश्वासी है तो आपको नहीं आने वाला, क्योंकि ये विश्वास का ही भाग है। आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर जो अगणित जो क्षमता है, जो 90% जो पावर है, वो सब पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। और सबकॉन्शियस माइंड के बाहर भी एक ऐसी नेचुरल पावर है, वो स्पिरिट लेवल है। तो इसके लिए हमें कम से कम आधा घंटा, कितना, कम से कम आधा घंटा हमें मेडिटेशन करना है। ऐसे हम रेगुलरली 21 दिन करते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। पहले तो हमारा मन शांत नहीं होता, क्योंकि हम ध्यान में बैठते हैं तो क्या हो जाता है कि अलग अलग विचार हमारे मन में आते हैं, तो उस वजह से हम एकाग्र नहीं होते। 21 दिन के बाद हमारी एक अवस्था आ जाती है, हमारा ध्यान लग जाता है। आपके अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। डाउजिंग हर तरह से किया जाती है। आप वायर रॉड से, पुराने ज़माने में वायर रॉड था, वहाँ से हम डाउजिंग करते थे। अभी कुछ लोग एल रॉड से करते हैं, और हमारे पुराने ज़माने में नारियल का यूज़ करते थे, नारियल के माध्यम से हम करते थे। अभी एक ही यूज़ करते हैं टूल्स, और उसे कहते हैं पेंडुलम। पेंडुलम डाउजिंग से हम अब इजी हो गए हैं, हम पेंडुलम यूज़ कर सकते हैं, पर ज़्यादा एक धातु होना ज़रूरी है। तो उसके अलग अलग विधियाँ है, जैसे मैंने आपको कहा कि एल रॉड, वायर रॉड, जैसे पेंडुलम, कोकोनट, ये अलग अलग क्रिया है। ऐसे अलग तरह से आप कर सकते हैं, पर आप रेगुलरली जब हाथ से करेंगे तो हमारे हाथ के अंदर बहुत सारी स्पंदन है, वहाँ हमारे बहुत सारे वाइब्रेशंस है। आपको डाउजिंग करनी है तो दूसरे के बारे में करनी है, खुद के बारे में कभी डाउजिंग नहीं करनी है। हर एक का सवाल सही होना चाहिए, ऐसे हमारी भावना रहती है, जो मैंने कहा वही होना चाहिए, तो आपको वो डाउजिंग वही उत्तर देने वाला है। जब हम दूसरे के बारे में जब सवाल करते हैं, जवाब करते हैं, तब वो हमें सही जवाब मिलता है। पहले कुछ 6 महीने या 3 महीने हम एक प्रयोग करने रहे थे, जैसे कि 3-4 बर्तन लेने हैं, वहाँ कुछ चीज़ें रखनी है अलग अलग, तो वहाँ जाकर हमें उसे क्वेश्चन पूछना है कि ये है क्या, ये चावल है क्या, ये पैसे है क्या, ये कोई और कुछ चीज़ है क्या, तो वो सटीक जवाब वो देना चाहिए। नहीं तो जवाब गलत देगा तो आपका डाउजिंग आगे आने वाली जो रेशो है वो गलत हो सकता है। अलग अलग कार्ड पहचानने का है, कलर्स भी दे सकते हैं हम। कार्ड से क्या करते हैं कि हम अतुट, यानी एकदम एग्जैक्टली हम वो बात बता सकते हैं। तो ये विषय बहुत बड़ा है, एक छोटी सी एक वीडियो में आज मैं आपसे शेयर किया हूँ। तो इसके कुछ आगे के सेशन में कुछ वीडियो आने वाले हैं, तब तक के लिए मैं आज विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।